हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और ये 11th 12th में हम लोगों को पढ़ना है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर इज ए हाईली डेवलप्ड स्पेरोफाइट एंड हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में जो होता है स्पेरोफाइट जो होता है वो बहुत डेवलप रहेगा और गैमेटोफाइट कंडीशन जो है वो रिड्यूस कंडीशन में रहता है, क्योंकि स्पेरोफाइटिक जनरेशन जो होता है प्लांट्स का, स्पेशली एंजियोस्पर्म में, ये रूट, स्टीम, लीव्स एंड फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ एंड्रेशियम गाइनेशियम, वो ही जो है गैमेटोफाइटिक जनरेशन को आगे लाता है। और ये जो है बाकी जो पोर्शन प्रेजेंट होता है वो स्पेरोफाइटिक जनरेशन होता है। द स्पेरोफाइट इज डाइपोलाइट एंड इच सेल कॉन्टेंट टू इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। और स्पेरोफाइट्स जो होता है वो उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो डाइपोलाइट कंडीशन में रहता है, और 2n, n जो हुआ वो हाइपोलाइट होता है, ठीक है, और 2n डाइपोलाइट को डिनोट करता है। द गैमेटोफाइट इज हाइपोलाइट एंड इच सेल कॉन्टेन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो होता है गैमेटोफाइट में कंडीशन जो है वो हाइपोलाइट कंडीशन होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम हुआ उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। मेल गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, कहने का मतलब जो एक्सेल हुआ उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के लिए पॉलन ग्रेन होता है। और हमको पता है कि पॉलन ग्रेन जो है जब वो गैमिट बनाता है तो वो इन नंबर क्रोमोसोम, कहने का मतलब जो गैमिट जो होता है वो हैपोलाइट कंडीशन में रहेगा, और एक भी जो रहेगा वो हैपोलाइट कंडीशन में रहता है। एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आगे जो है हम लोग देखेंगे इसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ता है। थैंक यू।